हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरा नाम मेनपाल सिंह और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया पे। लास्ट टाइम हमने देखा था डियर्स स्पेक्ट्रा एमिशन एंड अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, या इसको हम बोल सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। क्या नाम दे सकते हैं? यूनी इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, और एक इलेक्ट्रॉन केवल किस में होता है? हाइड्रोजन में होता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैसे देखा गया, क्या कह रहा है, देखते जाइएगा। सबसे पहले ये कह रहा है, हमने कोई भी ये बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने क्या डाल दी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस डाल दी? हाइड्रोजन गैस को हमने डाल दिया है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस को डाला और इसके अंदर से ये लाइट को पास किया, लाइट को जब हमने पास किया तो क्या हो जाएगा? आप लाइट को कैसे पास कर सकते हो? बहुत सारे तरीके होते हैं। आप डिस्चार्ज ट्यूब में डाल के करंट भी पास कर सकते हो, उससे भी लाइट मिलेगी इसको। जैसे ही लाइट को हम पास करेंगे इसके अंदर से, तो जो ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन गैस है, ये H2 है, ये सबसे पहले तो टूट जाएगी किसमें? अलग अलग हाइड्रोजन के एटम्स में। किसमें हो जाएगी? इट डिसोसिएट इनटू द हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि H2 एक मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन के एटम्स में डिसोसिएट हो गए। व्हेन इट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एटम्स, देन इट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। इसके इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे चले जाएंगे? बताया तो था लास्ट वीडियो में, ग्राउंड स्टेट से कहां पे चले गए? एक्साइटेड स्टेट्स में। तो व्हेन द लाइट इज पास्ड थ्रू द हाइड्रोजन गैस, देन इट्स मोलिकुलर हाइड्रोजन चेंजेड इनटू द एटॉमिक हाइड्रोजन। ये मोलिकुलर हाइड्रोजन है, ये एटॉमिक हाइड्रोजन है। देन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन चेंजेस फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। किस में चेंज हो जाते हैं? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब हमें पता, जो एक्साइटेड स्टेट है वो कैसी होती है? अनस्टेबल। इसको हम हाई एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलाता है? हाई एनर्जी स्टेट। और ये क्या होती है? स्टेबल, क्योंकि ये लो एनर्जी स्टेट है। ये क्या होती है? लो एनर्जी स्टेट होती है ये। तो ये लो एनर्जी स्टेट है, ये हाई एनर्जी स्टेट है। व्हेन दे ट्रांसफर टू द एक्साइटेड स्टेट, दैट इज द अनस्टेबल, जो कि अनस्टेबल है। कुछ समय के बाद क्या हुआ? एक्साइटेड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉन गए थे, वो वापिस किस में आएंगे? दे कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, एक बार देखते हैं ये गए कैसे थे। ये ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में गए थे, तो इन्होंने एनर्जी को क्या किया था? गेन किया था। एनर्जी को क्या किया था? गेन। अब वापस जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, दे लूज एनर्जी। वे क्या करते हैं? एनर्जी को लूज करते हैं। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। किस फॉर्म में करते हैं? रेडिएशंस की फॉर्म में वो एनर्जी को लॉस करते हैं। रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी लॉस करते हैं। जितनी एनर्जी उन्होंने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए ली थी, उतनी एनर्जी वो वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे और एनर्जी को क्या करेंगे? लॉस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। उन्हें हम बोलते हैं एमिटेड रेडिएशन। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? एमिटेड रेडिएशंस बोलते हैं। इन एमिटेड रेडिएशंस को हमने क्या किया? दीज एमिटेड रेडिएशन आर पास्ड थ्रू द प्रिज्म। इन एमिटेड रेडिएशन को हमने किस में से पास कर दिया? प्रिज्म में से पास कर दिया। द रेडिएशन विच आर एमिटेड बाई द हाइड्रोजन एटम्स व्हेन दे कम बैक फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, दैट रेडिएशन आर कॉल्ड एमिटेड रेडिएशन विच आर पास्ड थ्रू द प्रिज्म। जिनको हमने किस में से पास कर दिया? प्रिज्म में से पास कर दिया। अब जब प्रिज्म में से पास करोगे तो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा। क्या मिलेगा? वी ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम इन द फॉर्म ऑफ लाइनिंग्स, दैट इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम
क्या नाम देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन मेन बात क्या थी, अभी तो बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में जो आपको जाननी है। तो वी ऑब्टेन द स्पेक्ट्रा इन द फॉर्म ऑफ लाइनिंग्स, तो हमें लाइनिंग्स की फॉर्म में स्पेक्ट्रा मिला, उसे हम लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे स्पेक्ट्रोस्कोप से डिस्कवरी हुई, अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, तो क्या हुआ, डिस्कवरी के बाद क्या पता चला, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे बाल्मर साइंटिस्ट। कौन से थे, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे बाल्मर, या बम्मर भी जिसको बोलते हैं। उसने क्या देखा, ये जो लाइंस मिली हैं उनमें से एक लाइन विजिबल कलर की थी, जो दिखाई दे, सभी लाइन कोई जरूरी थोड़े विजिबल में आए, एक लाइन ऐसी थी जो विजिबल कलर की थी। तो बम्मर ने क्या देखा, वन लाइन इज प्रेजेंट इन द विजिबल कलर या विजिबल वेवलेंथ, वन लाइन इज प्रेजेंट इन विजिबल वेवलेंथ, क्या किसमें प्रेजेंट है, जो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा मिला उसमें से एक लाइन विजिबल वेवलेंथ की थी। विजिबल का मतलब क्या होता है, जिस जिन रेडिएशन के कारण हमें दिखाई देता है, एक रेडिएशन विजिबल वेवलेंथ की थी, उस लाइन को इसने बम्मर लाइन नाम दे दिया। उस लाइन को इसने क्या नाम दे दिया, दैट लाइन इज नोन एज बम्मर लाइन और बम्मर सीरीज, उसको इसने क्या नाम दे दिया, बम्मर सीरीज। और उस लाइन की, उस सीरीज की अगर हम क्या निकालें, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, तो उसने कहा फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी है, वेव नंबर, वेवलेंथ नहीं, हम उसकी वेव नंबर निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे, वेव नंबर। वेव नंबर से हम वेवलेंथ बना सकते हैं, वेव नंबर से हम फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। लेकिन उसने कहा जब उस बम्मर सीरीज का हम वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, उसने एक फॉर्मूला दे दिया, क्या फॉर्मूला दिया, इट विल बी इक्वल टू 109677, एक तो ये फॉर्मूला दिया, इनटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, 1/n में क्या रखा इसने, n स्क्वायर दिया, ये इसने फॉर्मूला दे दिया, क्या फॉर्मूला दिया, इसने कहा वन लाइन इज प्रेजेंट इन द विजिबल सीरीज, सो दैट इज नोन एज बम्मर सीरीज, हैविंग वेव नंबर कैन बी कैलकुलेटेड 109677, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, और इसकी जो वो थी, वो यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर इनवर्स, क्यों, वेव नंबर की यूनिट क्या होती है, वेवलेंथ का उल्टा, रेसिप्रोकल, मान लेते मैंने वेवलेंथ को सेंटीमीटर में लिया तो इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स, इसने खुद ने बताया। और इसने यहां पे n की वैल्यू क्या है, हियर n इज, हियर n इज ग्रेटर देन 2, दो से ज्यादा होगा, दो से, इधर वाले दो, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तो ये उसने फॉर्मूला दिया था, सबसे पहले किसने दिया था, बम्मर ने दिया था। बोलो इतना समझ आया या नहीं, बम्मर को क्या दिखाई दिया, इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रे में एक विजिबल लाइन दिखाई दी और उस विजिबल लाइन का वेव नंबर निकालने का ये फॉर्मूला, यहां पे एन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 2। ये आगे पता चलेगा ये कैसे होता है। फिर क्या, अलग अलग साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट आए रिडबर्ग, कौन आया, रिडबर्ग, उसने क्या कहा, इन सबको हटा दूं, समझ में आ गया होगा, एक साइंटिस्ट आए रिडबर्ग, उसने क्या कहा, उसकी ओर सुन लेते हैं, उसने कहा इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जितनी भी लाइन है, इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जितनी भी लाइन है, जितनी भी सीरीज है, प्रत्येक लाइन का वेव नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो, प्रत्येक लाइन का क्या कर सकते हो, वेव नंबर, दैट विल बी कैलकुलेटेड, इट विल बी इक्वल टू वेव नंबर, यहां पे आएगा आर एच, जिसको इसने नाम दिया, बताऊंगा क्या है, इनटू मैं 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू किसमें होगी, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वेव नंबर किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किसने बताया था, रिडबर्ग ने बताया था, रिडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उसने कहा यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ ऑल द लाइंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में ये पांच लाइन थी, इन पांचों लाइन की वेव नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। हियर एच, एच सॉरी आर एच क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, रिडबर्ग कांस्टेंट, इट विल बी इक्वल टू 109677 व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स। जब आप इसको सेंटीमीटर इनवर्स में एक्सप्रेस करोगे तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी वही दी जो इसने बताया था, किसने बताया था, बम्मर।
सर ने, तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसने कहा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट तो करोगे, उन पांचों लाइंस के इसने नाम दिए और नाम देके ये भी बताया कौन सी लाइन के लिए N1 की वैल्यू क्या होगी, N2 की वैल्यू क्या होगी। तो उन्होंने पांच लाइन कौन कौन सी बताई, सबसे पहले उसने कहा लाइमन सीरीज होती है। सबसे पहली कौन सी सीरीज होती है, लाइमन सीरीज होती है सबसे पहले, जिसके लिए N1 की वैल्यू 1 होती है। N1 की वैल्यू क्या, N1 की जगह 1 रखोगे, बट N2 विल बी, N2 क्या होगा, ग्रेटर देन N1, कितना भी हो सकता है, N1 से ज्यादा होगा और कितना भी हो सकता है। N1 से ज्यादा मतलब यानी कि N1 1 है तो N2 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और ये लाइन ऐसी थी जो कौन से रीजन में आती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। कौन से रीजन में आती है, कई बार पूछा हुआ है कौन से रीजन में आती है, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में। फिर इसने कहा दूसरे नंबर पे जो आती है वो आती है बामर सीरीज। कौन सी आती है, बामर सीरीज। उसके लिए इसने क्या कहा, N1 इक्वल टू 2। देखो सही है या नहीं सही है, बामर ने भी 2 रखा हुआ है, इसने भी 2 रख दिया। और N2 क्या होगा, N2 बताया तो था ग्रेटर देन N1। अरे N2 क्या, ये क्या बताता है, 2 से ज्यादा, और इसने भी यही कहा N1 से ज्यादा, और N1 कितना है, 2 से ज्यादा। ये कौन से रीजन में आती है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, विजिबल में आती है, आती है नहीं आती है। फिर इसने थर्ड लाइन का क्या नाम बताया, इसने सभी लाइंस के नाम बता दिए, और सभी लाइन के नाम बता दिए और कहा इनके ऊपर ये फॉर्मूला लगा दो, आपका वेव नंबर निकल जाएगा सभी लाइंस का। थर्ड जो थी वो क्वेश्चन थी लाइमर बामर पासन, अगली सीरीज थी पासन सीरीज। पासन सीरीज में क्या किया, इसने कहा हेयर N1 इक्वल टू 3, N1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और N2 क्या होगा, ग्रेटर देन N1। ये कौन से रीजन में आती है, इसकी रेडिएशन की वेवलेंथ IR इंफ्रारेड रीजन के इक्वल होती है। फिर फोर्थ में इसने क्या कहा, पासन के बाद एक और सीरीज आई थी ब्रैकेट सीरीज। कौन सी आई थी, ब्रैकेट सीरीज। और ब्रैकेट सीरीज में इसने क्या कहा, N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, बट N2 अगेन ग्रेटर देन क्या होगा, N1। ये भी कौन से सीरीज में आती है, इंफ्रारेड रीजन में आती है। और लास्ट और फिफ्थ लाइन कौन सी थी, पीफंड सीरीज, जिसको क्या नाम दे दिया, ये सभी अलग अलग साइंटिस्ट ने खोजे थे उन्हीं के नाम पे इनके नाम है, पीफंड सीरीज, जिसका N1 कितना होगा 5 और N2 ग्रेटर देन N1। और ये भी कौन से रीजन में आती है, IR। ये नीट IIT कई बार आया हुआ इन क्वेश्चंस में, पीफंड सीरीज IR में, ब्रैकेट सीरीज IR में, पासन सीरीज, ये तीनों इंफ्रारेड रीजन में, बामर विजिबल में, और लाइमन किस में आती है, UV में। प्रत्येक का N1 आपको पता होना चाहिए कितना होता है। ये पांच सीरीज मिली थी और इन पांचों सीरीज का वेव नंबर इस फॉर्मूले का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो रेडबर्ग ने दिया था। यहां पे जो कांस्टेंट है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये आप लगा सकते हो और ये आपके पास इनकी वैल्यूज है। ये पांच सीरीज हमें मिली थी इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये पांचों के नाम अलग अलग क्यों है, ये लाइमन साइंटिस्ट ने खोजी, ये बामर ने, ये पासन ने, सबने अलग अलग लाइन खोजी और अपने अपने नाम दे डाले। ये पांच सीरीज होती है जिनको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर पांच सीरीज होती हैं। इनका आप इस फॉर्मूले का यूज करके इनका क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वेव नंबर, वेव नंबर से वेवलेंथ, वेवलेंथ से क्या बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी बना सकते हो। फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की भाई कैसे ये N1 और N2 क्या है, ये सब कुछ कैसे हुआ, ये कैसे लाइमन सीरीज मिली, कैसे बामर सीरीज मिली, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। आपने ये नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो क्या एक्सप्लेन किया गया, देखते जाइएगा धीरे धीरे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की गई थी भाई ये कैसे मिलते हैं, ये स्पेक्ट्रम कैसे मिला है, ये अलग अलग। तो क्या करता हूं मैं, इधर से इनको हटा देता हूं, हटा दूं, ये आपको पता है सब कुछ, इसलिए मैं इनको हटा देता हूं। यहां पे बना रहे हैं कि ये कैसे मिला। तो इन्होंने क्या कहा भाई, ऐसे मान लेते ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और इसकी ये अलग अलग सेल है। ये सबसे पहली सेल है 1, ये उसकी दूसरी सेल है जिसको क्या नाम दे दिया 2, ये हाइड्रोजन की थर्ड सेल है जिसको हमने क्या नाम दे दिया 3, ये हाइड्रोजन की फोर्थ सेल है 4, ये हाइड्रोजन की फिफ्थ सेल है, इसी तरीके से हाइड्रोजन की ये सिक्स्थ है, ऊपर पता ही नहीं कितनी है, 6-7, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले क्या कहा गया, मान लेते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन में एक ही होता है, और वो कौन सी सेल में होता है, फर्स्ट में, इसी में होता ना, एक इलेक्ट्रॉन है वो इस पहली सेल में होता है। अब उसको एनर्जी मिली, तो मैंने बताया था वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किस में चला जाएगा,
एक्साइटेड स्टेट में, कहां पे चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। ये इलेक्ट्रॉन यहां से मान लेते हैं यहां पे पहुंच गया इस सिक्स सेल में, यहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है। अगर वो अब एक्साइटेड स्टेट है ये इसकी, ग्राउंड स्टेट ये है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी यहां से ये वापस यहीं पे आएगा। अब ये सिक्स सेल में पहुंचा हुआ, मान लेते हैं ये यहां से वापस फर्स्ट सेल में आ गया। कौन सी सेल में आ गया, फर्स्ट में। एक मिनट के लिए और मान के चलते हैं ये इलेक्ट्रॉन पांचवी सेल में गया था, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम है, किसी हाइड्रोजन के एटम का इलेक्ट्रॉन सिक्स सेल में एक्साइट हुआ, किसी का फिफ्थ सेल में एक्साइट हुआ और वो वापस फर्स्ट में आ गया, किसी का इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में एक्साइट हुआ वो वापिस फर्स्ट में आ गया, किसी का इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में एक्साइट हुआ वो भी वापिस फर्स्ट में आ गया, और किसी का इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में एक्साइट हुआ, वो सारे इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी सेल में गए वापिस फर्स्ट सेल में आ गए। कौन सी सेल में आ गए, फर्स्ट सेल में आ गए। इससे जो सीरीज मिली उसको कौन सी सीरीज नाम दे दिया गया, लाइमन सीरीज। कौन सी सेल में वो वापस आए हैं, कौन सी सेल में आए हैं, फर्स्ट सेल में। इसलिए N1 की वैल्यू तो ये आ गई 1। अब कौन सी सेल से इलेक्ट्रॉन आया है, मान लेते सेकंड सेल से आया है तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर थर्ड सेल से आया होगा तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अगर फोर्थ सेल से आया होगा तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो मैं यहां पे अलग से बना देता हूं, ये तो सेल है शायद मिक्स ना हो, ये देखिएगा। अब लाइमन सीरीज के लिए क्या है, N1 = 1 है, ये तो फिक्स है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से अगर फर्स्ट सेल में आता है तो लाइमन सीरीज मिलेगी। इसका N2 क्या होगा, इसका N2 अब दूसरी सेल में से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आएगा तो 2 हो जाएगा, तीसरी सेल में से आएगा तो 3 हो जाएगा, फोर्थ सेल में से आएगा तो 4 हो जाएगा। वो आपको न्यूमेरिकल जब आगे आएंगे तो वहां पे दिया जाएगा। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 से, 1 से ज्यादा होगा या नहीं होगा। अब क्या हुआ, ये तो मिल गया। बामर सीरीज कब मिली, मान लेते ये इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्साइटेड थे, यहां पे थे, ये 6 सेल से सेकंड में आके रुक गया, फर्स्ट में नहीं गया, या फिफ्थ सेल में से सेकंड में आके रुक गया, या फोर्थ सेल में से सेकंड में आके रुक गया, या थर्ड सेल में से, जो भी इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में आके रुक जाएगा अपने एक्साइटेड स्टेट से, तो उससे जो हमें सीरीज मिलेगी उस सीरीज का नाम क्या होता है, बामर सीरीज। अब इसके लिए N1 कितना होगा, ये दूसरी सेल में आके रुका है तो क्या हो जाएगा, 2, और N2 क्या होगा, ग्रेटर देन 2, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, ग्रेटर देन क्या होगा, 2, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा, न्यूमेरिकल में आपको दिया होगा, ये दोनों पता चल गए। अब इसी तरीके से आपको क्या है, पासन सीरीज। पासन के बारे में क्या है, ये कह रहा कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे है, वो थर्ड सेल में आके रुक गया, ये फिफ्थ सेल से भी थर्ड में आके रुक गया, फोर्थ से भी ये थर्ड में आके रुक गया, कौन सी सेल में आके रुक गया, थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन आके रुक गया है, कौन सी सेल में, थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन रुक गया है यहां पे आके। इसका मतलब यहां पे N1 कितना हो गया, 3, और N2 की वैल्यू क्या हो गई, N2 की वैल्यू आपके पास ये देखिएगा कितनी हो गई है। अब N2 की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। इससे जो मिलेगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, पासन सीरीज। क्या नाम दे दिया, पासन सीरीज। यह भी हो गया होगा आपका। अब देखिएगा, मान लेते हैं सिक्स सेल में इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ में आके रुक गया, फिफ्थ में है वो भी फोर्थ में आके रुक गया, तो जो फोर्थ सेल में रुकेगा तो उसका N1 कितना हो जाएगा, 4, और N2 4 से ज्यादा, तो उसे हम कौन सी सीरीज बोलेंगे, ब्रैकेट। और रही बात P1, 6 से इसमें आके रुक गया, या ऊपर 7 थी उसमें से यहां पे आके रुक गया इस फिफ्थ सेल में, तो इसका N1 कितना हो गया, 5, तो इसे हम कौन सी सीरीज बोलेंगे, P1 सीरीज। इस तरीके से देखा गया इलेक्ट्रॉन ऊपर से कौन सी सेल में आ रहा है वही सीरीज बनाएगा। फर्स्ट सेल में आएगा तो लाइमन, सेकंड सेल में आएगा बामर, थर्ड सेल में आएगा पासन, फोर्थ सेल में आएगा ब्रैकेट, और फिफ्थ सेल में आएगा तो कौन सी सीरीज बनाएगा, P1 सीरीज। ये इसका टेबल था भाई, ऐसे हुआ था ये भाई, ऐसे इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे, जब उन्होंने एनर्जी छोड़ी, अगर वो फर्स्ट सेल में आके रुक गया तो उसे हम बोलेंगे लाइमन, अगर वो इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में आके रुक गया तो उसे हम बामर सीरीज बोलेंगे, हो जाएगा। ये था स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इसे यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, अगर हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले का स्पेक्ट्रा कैलकुलेट करेंगे, स्पेक्ट्रा देखेंगे, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसका स्पेक्ट्रा हम इजिली नहीं देख सकते वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब हमने ये लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन देख लिए हैं, तो इस पर 2-3 न्यूमेरिकल देखिएगा, आपको न्यूमेरिकल जरूरी आने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, मैं आपके सामने न्यूमेरिकल रखता हूं, तो ये देखिएगा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखिएगा पहला न्यूमेरिकल ये है,
व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, हमें फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ भी, ऑफ फोटोन ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम N5 टू N2। एक इलेक्ट्रॉन है, एक फोटोन है जो ट्रांजिस्ट हुआ व्हेन N5 टू, यानी कि पांचवी सेल से कौन सी सेल में आया, सेकंड सेल में, इन द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर फोटोन मान लो या एक इलेक्ट्रॉन मान लो, क्यों, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन है पांचवी सेल में है, सेकंड में आएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली हुई थी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, उस एनर्जी को ये छोड़ेगा, तो ये फोटोन पांचवी सेल से कौन सी में आ गया, सेकंड सेल में, तो इलेक्ट्रॉन मान लो या फोटोन मान लो, पांचवी सेल से वो सेकंड सेल में आया है, आया है ट्रांजिशन फ्रॉम N5 टू। इसका मतलब सीधा आपके पास है फर्स्ट न्यूमेरिकल में N1 की वैल्यू कितनी होगी, 2, क्योंकि वो सेकंड सेल में आया है। N2 की वैल्यू कहां से आया है, अभी तो बताया था, ये आपके पास N=1 है, फर्स्ट सेल है, और यहां पे कौन सी है, N का मतलब होता सेल, ये फर्स्ट सेल थी, ये पांचवी सेल में से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आया, तो कौन सी सीरीज होगी, सबसे पहली तो लाइमन सीरीज होगी या नहीं होगी, लेकिन आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। लेकिन बच्चों आप एक बार फॉर्मूला बता दो, वेवलेंथ का भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी का भी नहीं है, वेव नंबर का फॉर्मूला था, N1=2 N2=5, तो वेव नंबर का क्या फॉर्मूला था, इट विल बी इक्वल टू RH, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी थी 109677 * 1 / N1 का स्क्वायर / N2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू किस में आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स में, यही था ना, आपके पास सब कुछ है, वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 हो गया इनटू 1/N1 की जगह कितना रखोगे, 2, कितना रखोगे, 2, अरे सेकंड सेल में आया तो भाई बामर सीरीज होगी, कौन सी सीरीज होगी, बामर सीरीज होगी, सेकंड सेल में आया है तो N1 की जगह 2 माइनस N2 की जगह कितना 5, 1/5, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, सोल्व कर लोगे आप, सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेव नंबर, इन सबको सोल्व कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगा, वेव नंबर, जैसे ही ये वेव नंबर आएगा आपके पास, अब वेव नंबर से देखिएगा, वेव हमें बनाना क्या है, हमें तो फ्रीक्वेंसी और क्या बनाना है, वेवलेंथ। अब हमने पढ़ा था वेवलेंथ इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर, या वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, कुछ भी मान लो, अब आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो जो भी यहां पे वेव नंबर आपका आएगा ये वो यहां पे रख देना, वेवलेंथ आ जाएगी, कर लोगे कैलकुलेट, तो इसको मैं सोल्व कर देता हूं यहां पे, या फिर आप खुद कर लेना, जो भी आपका आए वेवलेंथ 1/ वेव नंबर, फिर क्या है, वेवलेंथ आने के बाद फिर क्या करोगे आपको, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला था, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, सी की वैल्यू आपको पता है कितनी, 3×10⁸ m/s, लेकिन डिवाइड में लैम्डा, आधे से ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, यहां से जो लैम्डा आएगा उसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, गलत करोगे, क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट देखो क्या थी, सेंटीमीटर इनवर्स, यहां पे जो वेवलेंथ आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, तो वेवलेंथ की यूनिट तो सेंटीमीटर आई, हमें किस में लेनी पड़ेगी, क्योंकि लाइट की स्पीड मीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज करो, कैसे करोगे, जो भी आपकी वेवलेंथ आए उसको 100 से डिवाइड कर देना, क्या बन जाएगा, मीटर, और वो जब मीटर में चेंज करो तब यहां पे रखना, तब आपकी क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी, आपकी क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी। ऐसे करने थे न्यूमेरिकल, बोलो समझ आया या नहीं आया, अरे इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करने, एक न्यूमेरिकल और रखा हुआ, ये रहा, उसको और देखते हैं, आप खुद करोगे, हटा दूं इसको, चलो अब मैं आप तब तक रफ कर रहा हूं, आप इसको करो, लो मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या है, सब कुछ आपके पास है, ये लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूं, तब तक आप इसको सोल्व कर लो, हो गया होगा, अरे फॉर्मूला सब कुछ आपको मिल गया होगा, देखो व्हाट इज द वेवलेंथ, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/ वेव नंबर, पहले वेव नंबर का क्या फॉर्मूला था, 109677 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। अब क्या है, N1 कितना है, अरे दिया हुआ है 4×2 में आया है, तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, N2 की वैल्यू कितनी हो गई 4, रख दो भाई ये वेव नंबर आ जाएगा, वेव नंबर का उल्टा कर दोगे वेवलेंथ आ जाएगी, अरे क्या था, कुछ भी तो नहीं था, बोलो कुछ किया हमने,
इस फॉर्मूले में रख दिया, क्या रखा, एन वन की वैल्यू टू, जो भी लोवेस्ट नंबर होता है, देखो एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू फोर, जो लोवेस्ट नंबर होता है वो एन वन होता है, जो बड़ा नंबर होता है वो एन टू, रख दो वैल्यू, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 इंटू वन अपॉन एन वन की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, ये आपका हो गया। इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करोगे वेव नंबर उसका इनवर्स कर दोगे तो वेव लेंथ किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर, इनवर्स कर लोगे। ये थे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो पढ़ा उससे कुछ पता चला, क्या पता चला, उससे दो बातें पता चली लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इसको हटा दूं तो वे दो बातें क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। From the line spectrum of hydrogen, two conclusions are drawn. That is, first क्या था? Electronic spectra of each element is different. प्रत्येक element का electronic spectra अलग अलग है। ये पहले भी बताया था और ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से भी पता चल गया था। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे प्रत्येक एलिमेंट का स्पेक्ट्रा अलग अलग होता है। सेकंड क्या था, देयर इज रेगुलरिटी इन द स्पेक्ट्रा ऑफ ईच एलिमेंट, इन द स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स थे उनका जब हम स्पेक्ट्रा बना रहे थे तो उनके अंदर रेगुलरिटी थी, मतलब सभी का स्पेक्ट्रा बन रहा था, कोई भी ऐसा नहीं था जिसका स्पेक्ट्रा ना बन रहा हो, सभी का स्पेक्ट्रा बन रहा था, एक तो ये बात थी, दूसरा प्रत्येक का स्पेक्ट्रा अलग अलग था, ये दो बातें पता चली थी। मैंने अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन क्या था ये बता दिया तुम्हें एक एक बात, लेकिन ये आपको तब समझ में आएगी जब पीछे वाली वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, कौन सी, एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब आपने देख लिया है, अब आप ऐसा करना, कुछ समय रेस्ट करना, फिर इस वीडियो को दोबारा देखना, नोट डाउन करना, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आपको आपकी बुक से मिल जाएंगे, आप उनको सोल्व करना तो यह समझा आपका यह टॉपिक पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो किससे आया था, ये जो सारा चीजें पढ़ रहे हैं ना, बोहर मॉडल ने इन सब का ही तो यूज किया था, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।